दोस्तों एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप कुमार सैनी जी जो कि एनके रेलवे साइको क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं इनका जो चयन है आरआरबी एनटीपीसी एन एन जीरो के अंतर्गत आर जम्मू से हुआ है कुलदीप सैनी जी जो है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं दोस्तों इस सेशन को रखने का मेन जो पर्पज़ है वो ये है क्योंकि साइको टेस्ट जो होता है सी बी टी वन सी बी टी टू और थर्ड स्टेज एग्जाम होता है इनके बाद में तो काफ़ी सीरियस स्टेप होता है जिसमें स्टूडेंट का काफ़ी समय लगा हुआ होता है काफ़ी मेहनत लगी हुई होती है एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है साइको टेस्ट के बारे में वो मैक्सिमम कैंडिडेट तक पहुंच सके बिना किसी देरी के हम चलते हैं कुलदीप कुमार सैनी जी के पास कुलदीप कुमार सैनी जी सबसे पहले तो आपको एन के रेलवे साइको क्लासेज जयपुर की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं स्टेशन मास्टर के रूप में चयनित होने के लिए थैंक यू सर नमस्कार दोस्तों जैसा कि सर ने बताया मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मैं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला हूं और मेरा चयन आरआरबी एनटीपीसी 2019 के थ्रू आरआरबी जम्मू से हुआ है

बाकी जो उसका मोटिव होता है वो सेम होता है चीज़ें प्रैक्टिकली वर्क से जुड़ी हुई होती हैं और आज आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ये चीजें देख भी रहे होंगे yes. साइको टेस्ट के बारे में आप आ, क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट उसको किस तरीके से फेस करे कि वो इजी वे में उसको जो है वो क्लियर कर सके सर जैसे हम सीबीटी वन और सीबीटी देकर आते हैं तो उसमें हमारा काफी टाइम लगा हुआ होता है तो हमें साइको को सीरियसली ले लेना चाहिए जिससे हम साइको में मतलब सक्सेस प्राप्त कर सके और अगर हम सर उसको हल्के में लेंगे तो हम या तो साइको में फेल कर जाएंगे या फिर फाइनल मेड में छट जाएंगे जी और तो... साइको को पास करने के लिए सही कंटेंट और सही गाइडेंस की जरूरत होती है मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट हमें ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए जी कुलदीप जी कुलदीप जी आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं और एन के साइको क्लासेस जयपुर में हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप जो है साइको 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 से जुड़े जुड़े तो किस तरह और आपने को ही आपके टेस्ट की तैयारी के लिए क्यों चुना सर एन के साइको क्लासेस से मैं एक मेरे दोस्त है वो बीकानेर डिविजन में पोस्टेड है उन्होंने सर जब हमारा मतलब सीबीटी टू का रिजल्ट आ गया जी तो उन्होंने मुझे आपका एक वीडियो भेजा सर जी तो मैंने उसको देखा तो सब मैं मतलब काफी इफेक्टिव हुआ और मैंने सर फिर आपका मतलब कोर्स परचेज किया जी और सर उससे लग, लगातार क्लासेस चली हमारी एक महीना और मैंने प्रैक्टिस किया काफी 125 के लगभग मॉक टेस्ट लगाए जी कुलदीप जी जैसा कि आपने बताया कि आपके कोई नॉन थे जो बीकानेर डिवीज़न में पोस्टेड थे उन्होंने आपको एक वीडियो भेजा और आपने जो है उसको देखा और अदर भी देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा तो आपने ज्वाइन किया और एनके साथ को क्लासेज को चुनने का आपने उस दिन डिसीजन लिया वो आपके लिए सही भी रहा क्योंकि आज आप स्टेशन मास्टर की वर्दी में हैं तो निश्चित रूप से आपका वो डिसीजन सही था चुना कुलदीप जी एक मेरा सवाल ये था कि आ, आपने जो ऑनलाइन कोर्स लिया था या आप ऑफलाइन बैच में थे सर मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था जी कुलदीप जी ऑनलाइन कोर्स में जो सात दिन की तो आपकी क्लासें चली थी बेसिक कॉन्सेप्ट की और उसके अलावा एक महीने तक आपकी क्लासें चली थी जिसमें प्रैक्टिस सेशंस थे डाउट सेशंस थे जिसमें कि आधे से भी कम टाइम में आपको करना जो है सिखाया गया था और डे वन जिस दिन आपने क्लास ज्वाइन की और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए तो उस दिन तक आपके मन में कोई भी डाउट चाहे वो साइको से संबंधित रूल रेगुलेशन से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हो तो ऐसा कुछ रहा कि जो क्लास में कंप्लीट नहीं करवाया गया नो no, सर ऐसा कुछ नहीं था जो अगर हमें कोई भी डाउट होता तो सर हम कमेंट करके उसका सोल्यूशन करा लेते थे जी और आपने भी हमारा बखूबी साथ दिया इसमें और सर अगर हमें कोई डाउट वैसे भी रहते तो हम क्लास को म, बैक करके देख लेते थे ऑनलाइन क्लासेस का सर ये भी फायदा है इसमें यानी कि हम अपना डाउट नहीं क्लियर कर सकते सर और सर जब हमारा साइको एग्जाम हो गया तो सर मैंने आपको कॉल किया था जी, जी तो उसमें भी सर आपने हम आप हमें लास्ट तक मोटिवेट करते रहे सर क्योंकि मेरा टूट जो था उसमें मतलब थोड़ा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, हो पाए थे थर्टी फोर के लगभग तो मैं सर सोच रहा था कि कभी मेरा साइको में इसमें टी स्कोर कम रह जाए तो लेकिन आपने हमें लास्ट तक मोटिवेट किया सर

आपने हर टॉपिक की प्रैक्टिस हमें लगभग आधे टाइम में कराई थी जी, तो इससे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई मेन एग्जाम में जी कुलदीप जी रेलवे साइको की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी उसकी तुलना में आपको मेन एग्जाम इजी लगा या टफ लगा सर मेन एग्जाम जो टेस्ट सीरीज थी आपकी उससे इजी था लेकिन थोड़ा टाइम की कमी के कारण ऐसा हो गया कि बच्चे कम क्वेश्चन बना पाए लेकिन जो एनके के साइको क्लासेज के बच्चे थे जी उन्होंने मतलब अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिया है आपका कहना है कि एनके के साइको क्लासेज जयपुर का जो बच्चा था उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी उनको पहले से ही प्रैक्टिस आधे से कम टाइम की करवा दी गई थी सारी चीजें बता दी गई थी कि आप जो है वन थर्ड टाइम का टारगेट लेके चले तो आपको मेन एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी यस yes, सर और सर जो जी, ये इसमें टॉपिक था शॉर्टकूट वाला आपकी जो टेस्ट उसमें दस दस ऑप्शन दिए हुए थे जी, और सर जो अदर थे उनमें चार पांच पांच ऑप्शन दिए हुए थे तो सर जो उनसे तैयारी करके गए थे मोबाइल वगैरह से प्रैक्टिस करके जी, तो उनको ज्यादा दिक्कत हुई इसमें सर जी कुलदीप जी आपने जो है कितने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाए थे टोटल सर मैंने वन ट्वेंटी फाइव मॉक टेस्ट लगाए थे सर जी कई स्टूडेंट इस इसमें ये करते हैं कि दस बीस टेस्ट लगा के छोड़ देते हैं तो उनको निश्चित रूप से दिक्कत आती है और कुछ yes, कुछ कैंडिडेट जो है कंप्यूटर की बजाय मोबाइल पे टेस्ट लगाते हैं क्योंकि जो साइको एग्ज़ाम है वो सी बी टी वन टू की तरह नहीं होता है इससे थोड़ा अलग होता है तो कंप्यूटर पे ही मैक्सिमम टेस्ट लगाने चाहिए क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो कंप्यूटर का जो लेआउट होता है उसी वही ही मेन एग्ज़ाम के दौरान काम आता है सर कंप्यूटर पे ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मेन एग्जाम में वो स्क्रोलिंग ज्यादा दे देते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है तो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते जी थोड़ा टाइम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो, प्रतिदिन जो है ऑफलाइन आपने कितने घंटे प्रैक्टिस की थी कुलदीप जी ऑफलाइन सर मैंने तीन से चार घंटे प्रैक्टिस की थी सर पर डे उसके अलावा लगभग तीन घंटे पर डे आप क्लास में जुड़े रहे उसके अलावा आपने जो है एक सौ बीस प्लस लगभग टेस्ट लगाए यस सर एक क्वेश्चन ये था मेरा कि साइको टेस्ट का जो प्रत्येक पेपर होता है उसमें टाइम कम होता है आर डी टाइम जो है पेपर के दौरान अचानक से घटा देता है लेआउट चेंज कर देता है तो स्टूडेंट क्या करे कि एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लमों को वो आसानी से फेस कर सके मतलब किस तरीके से वो तैयारी करके जाए इसका एक आध लाइन में आप जवाब देना चाहें सर हर स्टूडेंट को अपना प्रत्येक टॉपिक जो है वो आधे आधे टाइम में कर लेना चाहिए आधे से भी कम समय में जिससे उसे मेन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम का फेस फेस ना करनी पड़े जैसा आपने मतलब प्रिपरेशन कराई है तो हमें मेन एग्जाम में इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और जो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला टॉपिक रहा और एड ऑफ वोर्ड वाला टॉपिक रहा उसको तो हमारा टाइम भी बच गया था सर कुलदीप जी आप जो है शुरू में कोचिंग से जुड़े और लगभग एक महीने तक जुड़े रहे तो पहले दिन हो सकता है साइको टेस्ट के बारे में आपके मन में थोड़ी बहुत डर रहा होगा लेकिन जिस दिन आप मेन एग्जाम देने गए तो उस दिन आपको कुछ डर लगा कितना अंतर महसूस हुआ फर्स्ट डे और लास्ट डे में अपने आप में कितना सुधार महसूस हुआ सर जैसे मैंने पहले दिन आ, साइको क्लासेस ज्वाइन किया था तो मेरे मन में डर था साइको के लिए जी और जैसे जैसे सर मैंने क्लास दी एक महीने तक क्लास दी और फिर प्रैक्टिस किया तो साइको के प्रति मेरे मन में मेरे मन में कोई डर नहीं रहा लास्ट दिन तक उसका परिणाम यह है है कि आज मेरा सिलेक्शन के थ्रू पोस्ट पे हो गया कुलदीप जी आगे जो रेलवे साइको टेस्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं चाहे वो ए एल पी एस एम या डी एम आर सी डी एफ सी सी आई एल का साइको टेस्ट हो तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वे आसानी से इसे क्लियर कर सकें और ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है साइको टेस्ट में जोड़ सकें एक दो लाइन में कुछ बोलना चाहें उनके लिए सर सबसे पहली बात तो साइको एग्जाम को क्लियर करने के लिए अच्छा कंटेंट होना चाहिए हमारे पास और अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए जी तो so, सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सभी को जो आने वाले टाइम में ए एल पी डीएमआरसी और एस एम के लिए साइको एग्जाम देंगे उनके लिए यही सजेशन है कि वो साइको एग्जाम को सीरियसली लें और सही गाइडेंस और अच्छी प्रिपरेशन करें जिससे कि वो सफलता प्राप्त करेंगे और एनके साइको क्लासेस उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है और मैं उसका उदाहरण हूँ और मैं एनके के साइको क्लास को रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट के लिए जो भी आने वाले समय में साइको एग्जाम देगा जी कुलदीप जी सर जैसे अदर अदर प्लेटफॉर्म साइको एग्जाम के लिए सात दिन में करा देते हैं लेकिन हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास सात दिन चली और एक महीने तक हमारी प्रैक्टिस और डाउट सेशन हुए तो उसका हमें मेन एग्जाम में बहुत फायदा हुआ और हमने सभी टॉपिकों को आधे से भी कम समय में करना सीख लिया सर उसका हमें बहुत फायदा हुआ मेन एग्जाम में और यही आपकी सफलता का राज रहा कुलदीप जी एनके सेटिस्फाई से रहे हैं सर मैं हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाई रहा हूँ और सर उसका रीजन ये है कि मैं आज स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हूँ अभी जम्मू से एक क्वेश्चन और अभी आप जो है स्टेशन मास्टर बन गए हैं और वर्दी में हैं और काफी संघर्ष निश्चित रूप से रहा है तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं और घर में किस तरह का माहौल है थोड़ा सा बताएंगे सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और मेरे जो मम्मी पापा हैं मेरे परिवार वाले हैं सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सर उसका रीजन ये है कि सर मैं आज एसएम की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूं और इसका श्रेय मैं एनके के साइको क्लासेज जयपुर को देता हूं और हर स्टूडेंट के लिए एनके के साइको क्लासेस को रिकमेंड करता हूँ जी क्यूकी एक अलग ही खुशी का माहौल होता है

आज आप जो है स्टेशन मास्टर की पर्दी में हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे लिए भी ये खुशी का समय है और आपके लिए भी कुलदीप जी यस yes, सर इस सेशन में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार आपको एन के रेलवे साइको क्लासेस की तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर